दोस्तों हमारे पास आ गया है Redmi का 13C। जी हाँ दोस्तों, Redmi 13C बड़े बड़े फोन के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, पर क्या कैमरा इसका ढंग से यूज हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये आज हम लोग करने वाले हैं ढंग से यूज। आपको जैसे कि पता है Redmi 13C के अंदर हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं जी कैम को आका गूगल कैमरा। और दोस्तों गूगल कैमरा को इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे कि कैसी फोटोज आएंगी आपके गूगल कैमरा के अंदर और गूगल कैमरा को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों याद रहे, सारे गूगल कैमरा आपके इसके ऊपर नहीं वर्क करते हैं, हेंस इसीलिए हम लोग आज वीडियो बता रहे हैं, आपको बताएंगे कि गूगल कैमरा को कैसे इंस्टॉल करना है, प्लस क्या क्या सेटिंग्स करनी है गूगल कैमरा में ताकि वो वर्क करे ढंग से। दोस्तों याद रखिएगा, टॉप कैमरा के अंदर जैसे कि अगर आप कोई फोटोज देखेंगे तो ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपको अच्छी फोटोज ही आए, पर दोस्तों इससे बेटर अगर आपको फोटोज लेनी है तो आपको गूगल कैमरा इंस्टॉल करना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों गूगल कैमरा के ऊपर और बताते हैं आपको कि कैसे हम लोग जी कैम इंस्टॉल कर सकते हैं ऑन योर Redmi 13C। तो दोस्तों इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने यहाँ पे एक सैम्पल मतलब ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है गूगल कैमरा को, तो वो कैसे दिखता है, कैसे उसका मतलब चीज़ें हैं आप लोग जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, बिल्कुल गूगल कैमरा वाला इंटरफेस है, सब कुछ वर्क करता है यहाँ पे, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन और अच्छी वर्क कर रही है। दोस्तों एक आधी चीज़ वर्क नहीं करी जिसकी वजह से ये ऐसे कैमरा स्टॉप हो जाता है, पर दोस्तों ऑलमोस्ट 90% चीज़ें यहाँ पे वर्क कर रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका फोटो मोड वर्क कर रहा है, पोर्ट्रेट मोड वर्क कर रहा है, और दोस्तों याद रहे आपका यहाँ पे नाइट साइड भी वर्क कर रही है। पैनोरमा मैंने ट्राई नहीं किया, मैं आपको वो भी ट्राई करके बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर कोई बग दिखते हैं आपको तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं हो सकता है आपको अपग्रेडेड वर्जन जी कैम का प्रोवाइड कराऊँ ढूंढ के बाद में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के लिए, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है मैं फटाफट से बता देता हूँ, बहुत ही बेसिक स्टेप्स है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड तो आप नीचे क्वेश्चन में कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज हैं तो आप लोग दोस्तों चैनल मेंबरशिप्स ले सकते हैं और हम उसमें आपको बिल्कुल प्रॉपर गाइड करेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हाउ टू इंस्टॉल गूगल कैमरा ऑन Redmi 13C। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप आपको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको चलना है गूगल क्रोम पे और जो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा उस लिंक का उपयोग करना है। दोस्तों मैं माफी चाहूंगा कि मैं काफी फास्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों काफी फास्ट बोलने का कारण यही है ताकि जितना फास्ट मैं बोलूंगा उतना टाइम आपका सेव होगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बंद करते हैं इसको, फटाफट से आपको दिखाए दो। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे जैसे कि दिखा रखे हैं डेवलपर, दो तीन हैं हमारे पास यहाँ पे। दोस्तों हमने जो ट्राई किया है, हमने यहाँ पे ट्राई किया बिग काका का, और दोस्तों बिग काका का AGC वाला जो वर्जन है वो बिल्कुल वर्किंग है, तो आप ये 9.2.14 वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसी वर्जन को डाउनलोड करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको डाउनलोड एनीवे कर देना है, और दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड्स में जाएंगे तो आपके पास ऐसे एक वर्जन डाउनलोड हो चुका होगा। दोस्तों इसको इंस्टॉल करना भी बड़ा आसान है, आपको यहाँ पे जैसे टैप करेंगे तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बोलेगा कि भाई, मेरे केस में यहाँ पे अपडेट बोल रहा है, आपको इंस्टॉल बोलेगा, आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो वो बोलेगा कि अलाउ फ्रॉम अननोन रिसोर्सेज, और वहाँ पे अलाउ करने के बाद दोस्तों आपके पास भी ऐसे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें दोस्तों कुछ भी नया नहीं है, तो बहुत क्विकली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इसको ऐसे इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों इसको इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो कि गूगल कैमरा की हैं, एडवांस सेटिंग में बोलूंगा, वो आपको यहाँ पे कर लेनी है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, तभी आपका गूगल कैमरा वर्क करेगा। दोस्तों इसको ओपन कर लेते हैं और दोस्तों अब आपको बताते हैं कि गूगल कैमरा की सेटिंग्स आपको क्या क्या करनी है। दोस्तों आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग्स में नीचे वाली टैब पे, और दोस्तों सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे HDR+ एनहांस पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ पे आपको 16:9 पे क्लिक कर लेना है, और दोस्तों यहाँ पे आपको मोर सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों मोर सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा डिवाइस इंटरफेस, हम लोग उसको ऑटो पे ही छोड़ेंगे, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। और दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एडवांस की सेटिंग मिलेगी, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, और दोस्तों इसके अंदर आपको क्लिक कर लेना है HDR+ कंट्रोल पे, ऑन पे, और दोस्तों यहाँ पे लास्ट में आपको जाना है, यहाँ पे आपको एनेबल टाइम लैप्स फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी करना है, और दोस्तों यहाँ पे आपको रिच कलर इन फोटोज आ रहा होगा इसको कर लीजिए, साथ में अल्ट्रा HDR को भी एनेबल कर लीजिएगा। दोस्तों इन सबको करने के बाद आपका जो कैमरा की जो लुक होगी वो काफ़ी अच्छी आएगी। यहाँ पे दोस्तों ऊपर भी कुछ सेटिंग्स गिवन है, अगर आपको कोई प्रोफाइल चेंज करनी है फोटोज के केस में तो आप यहाँ पे दोस्तों डिफरेंट प्रोफाइल ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपके डिफरेंट सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी। मैंने दोस्तों फिलहाल यहाँ पे डिसेबल कर रखी है और मेरी काफ़ी अच्छी फोटोज आ रही हैं। दोस्तों यहाँ पे AW और मैनुअल का ऑप्शन भी है, तो दोस्तों मैनुअल ऑप्शन में अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सपोजर को एडजस्ट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग अलॉन्ग विद जो अभी आप लोग कर रहे हैं। तो साथ ही साथ आपके पास फोकस,
शटर स्पीड, ISO, इन सबको मैनेज करने का ऑप्शन है जैसे कि एक नॉर्मल प्रो मोड में होता है। दोस्तों ये सब कुछ देखने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सैंपल्स जो कि मैंने इस फोन में खींचे हैं। प्लीज उसको ट्रोल मत कीजिएगा, बिकॉज मैंने वो रैंडमली खींचे थे और मैंने रैंडमली खींच के बस जस्ट देख रहा था कि फोटो कैसी आ रही है। दोस्तों ये जो फोटो है स्टॉक कैमरा की है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके लाइव कैमरा की। तो दोस्तों लाइव कैमरा की ये फोटोज हैं जो कि मुझे थोड़ी सी डर लगी फेस वाइज। आप ये देखेंगे तो ये एक पोर्ट्रेट मोड में फोटो है जिसमें काफ़ी अच्छी एज डिटेक्शन करा है, तो काफ़ी अच्छा मतलब कैमरा वैसे उस हिसाब से है, थोड़ा सा जेन्युइननेस ज़्यादा है, तो इसलिए ये दोस्तों फोटो के कलर्स कॉम्बिनेशन ऐसे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्लियरली फोटो को ब्राइट किया गया है जो कि एक्चुअली अननेचुरल है, बट कुछ लोगों को पसंद है तो इट इज़ फाइन, ये आपकी चॉइस है आपको क्या पसंद आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप चैनल मेंबरशिप्स को ले लीजिए, मैं आपके रिप्लाई वहाँ पे ज़रूर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।